मित्रों, मणिपुर चक्र ऊर्जा हमारे देह रूपी इस इमारत को बीमारियों से बचाने में सहायता करता है। मणिपुर चक्र के अनियमित होने से पेट के रोग हो जाते हैं और इस चक्र के स्वस्थ होने पर बहुत सी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य रूपी यह इमारत मजबूती से खड़ी रहती है। जिस प्रकार मूलाधार चक्र मनुष्य की नींव होती है, उसी प्रकार मणिपुर चक्र मनुष्य की बीमारियों से रक्षा करने वाला रक्षक है। मनुष्य की चेतना जैसे ही मणिपुर चक्र में पहुंचती है, तब हम स्वाधिष्ठान चक्र के सभी दुर्लभ पक्षों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। मणिपुर चक्र में अनेकों प्रकार की मणियां होती है, जैसे कि स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता। मणिपुर चक्र के जागरण से ये सभी सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त होती है। मित्रों, मणिपुर दो शब्दों से मिलकर बना है, मणि प्लस पुर, जहाँ पर मणि का अर्थ होता है रत्न या गहना और पुर का अर्थ होता है स्थान, अर्थात मणियों का स्थान। इसीलिए इस चक्र के जागरण से मनुष्य को स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता रूपी मणियों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र हमें मजबूत भवन की नींव प्रदान करता है, उसी प्रकार मणिपुर चक्र इस भवन को सद्गुणी चरित्र और निर्विकार दीवारें प्रदान करता है। इस चक्र का स्थान मनुष्य के नाभि के ठीक पीछे होता है तथा यह इस क्रम का तीसरा चक्र है, जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है। यह चक्र नाभि के पीछे होता है। मणिपुर चक्र के प्रतीक चित्र में 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। यह 10 प्रमुख शक्तियों का प्रतीक है, जो मानव शरीर की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित और पोषित करती है तथा इसका तत्व अग्नि है, इसीलिए इसे अग्नि या सूर्य केंद्र नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध मनुष्य के पेट से होता है तथा यह मनुष्य की स्फूर्ति का केंद्र होता है। यह हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा नियंत्रित करता है। मनुष्य की देह से आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में इसकी अभिन्न हिस्सेदारी होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना योग संभव ही नहीं है। इस चक्र की दो संभावनाएं होती है, या तो ये मनुष्य को स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता प्रदान करता है, या फिर ये मनुष्य को उदर रोगी बना देता है। मणिपुर चक्र के देवता भगवान विष्णु और देवी माता लक्ष्मी हैं। भगवान विष्णु उदीमान मानव चेतना के प्रतीक हैं, जिनमें पशु चारित्रता बिल्कुल नहीं है। देवी लक्ष्मी प्रतीक है भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की, जो भगवान की कृपा और आशीर्वाद से मनुष्य में फलती फूलती है। मणिपुर चक्र का मंत्र रम होता है तथा इस चक्र का रंग पीला होता है। मणिपुर चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु मेष है, जिसे भेड़ कहते हैं। इस चक्र का तत्व अग्नि होता है। मणिपुर चक्र का एक और प्रतीक उल्टा त्रिकोण होता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मनुष्य शरीर में ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे चिमनी से होते हुए धुआं जाता है, बस धुआं सीधा निकलता है पर ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है। त्रिकोण के नीचे का बिंदु इस चक्र का प्रारंभिक बिंदु होता है और इस बिंदु से निकलकर ऊपर जाने वाली दो भुजाएं मनुष्य चेतना के ऊपर उठने का प्रतीक है। मूलाधार चक्र तथा मणिपुर दोनों ही चक्रों में उल्टा त्रिकोण है, जो इस बात को बताता है कि मनुष्य की ऊर्जा सदियों नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होनी चाहिए, जिसके प्रभाव से मनुष्य में दैविक गुण आते हैं। पर जब ये ऊर्जा ऊपर से नीचे प्रवाहित होने लगती है, तो मनुष्य में आसुरी गुण आने लग जाते हैं। मणिपुर चक्र जागरण होने पर क्या होता है? जिन मनुष्यों का मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है, उनके स्वभाव में स्वतः ही परिवर्तन होने लगता है। उस व्यक्ति के भीतर स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता का विकास होने लगता है। दूसरे शब्दों में बोले तो दैविक गुणों का विकास होने लगता है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है, जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बताते चले, ध्यान से जागृत होने वाला तीसरा चक्र मणिपुर है। इसके जागृत होने के बाद मनुष्य के भीतर की यात्रा की शुरुआत का तीसरा चरण का आरंभ होता है, पर इस केंद्र में अवरोध कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जैसे पाचन में खराबियां, परिसंचारी रोग, मधुमेह और रक्तचाप में उतार चढ़ाव। तथापि एक दृढ़ और सक्रिय मणिपुर चक्र अच्छे स्वास्थ्य में बहुत सहायक होता है और बहुत सी बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करता है। मणिपुर चक्र जागरण विधि।
मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले किसी शांत और शुद्ध वातावरण में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। फिर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें बंद कर लें। फिर धीमी, गहरी और लंबी सांस को ले और छोड़े। फिर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दे। इसके बाद मणिपुर चक्र के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीले रंग की कल्पना करें। इस पीले रंग को धीरे धीरे महसूस करें, जिससे धीरे धीरे आपको स्वयं में स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता के बढ़ने का अनुभव होने लगेगा। 3 से 5 मिनट तक इस उत्तेजना में ध्यान केंद्रित करें और फिर आराम करें। इस प्रक्रिया से ध्यान करने पर मणिपुर चक्र जागृत होने लगेगा। इस ध्यान के पूर्व सूर्य नमस्कार करना अत्यंत लाभदायक होता है। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।